देश में डॉक्टर राम अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है और खास करके उनके जो सिद्धांत हैं, उन्होंने जो संविधान हमारे भारत देश को दिया है वो बहुत ही गहन कार्यक्रम रहा और उनका विशेष ध्यान इसमें रहा कि किस तरीके से इस देश को आगे ले जा सकते हैं, कैसे एक नागरिक को और आम जनता को किस तरीके की हक मिलना चाहिए। वो संविधान का पितामह भी वो कहलाते हैं, तो हमेशा उनका यही रहा कि सबसे पहले नागरिक को उनका देश है। और जब हम देश की बात करते हैं तो हमारे बीच जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, जो दबे हुए सेक्शंस हैं, जिनको कभी शिक्षा में एंड आम कुछ हक भी नहीं उपलब्ध होता था, उनके लिए वो हमेशा लड़े और उनका जो जीवन कथा है वो हर एक के लिए एक मोटिवेशन और एक स्पिरिट, एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद पूरे विश्व स्तर का ख्याति उन्होंने पाया है। तो आज इस विशेष अवसर पर भारत सरकार, राज्य सरकार के तहत ग्राम स्वराज अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें 3 जो ऐसी बहुमूल्य गांव है वहां पर 7 भारतीय फ्लैगशिप प्रोग्राम का 100% सैचुरेशन मोड पे किया जा रहा है। ये दिखाता है कि इस देश में अभी जो सरकार है और राज्य के जो सरकार है, प्रशासन जो है, ये पिछड़े वर्गों के लिए के विकास के लिए कटिबद्ध है और जो सुविधाएं हैं उनके लिए सरकार के द्वारा, वो सही आदमी का पहचान कर उस आदमी को वो सुविधा देना हम लोग की जिम्मेदारी है। और समाज में ये इन लोग को अपलिफ्टमेंट करते हुए हम लोग समाज का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। मेरी सभी जनता को इस विशेष दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि सभी डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो सिद्धांत है उसको उसको देखें, उसको पढ़ें और उसका अपने जीवन में भी पालन करें, देश के लिए कुछ कर दिखाए। और पिछले वर्ग जो है, जो हमारे नीचे वर्ग के जो सेक्शंस हैं, गरीब सेक्शंस हैं, उनके लिए कुछ अच्छा काम करें। धन्यवाद। मैडम, परसों चुनाव होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियाँ हैं? प्रशिक्षण वगैरह पे, मतदान तैयारी पे वहीं ले लेंगे। चुनाव को लेकर क्या कुछ शांतिपूर्ण हो, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, रामगढ़ जिला में चुनाव को लेकर हमेशा एक शांतिपूर्ण मतदान ही होता रहा है और सभी पार्टी से लेके कैंडिडेट्स से लेके जनता सभी हमेशा एक अच्छे तरीके से यहाँ पे चुनाव किए हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार जो नगर के क्षेत्र में है, करीब 90 बूथें हमारी हैं और करीब उसमें 60-70 बूथें हमारे थोड़े सेंसिटिव हैं, क्योंकि वहाँ पे मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और अन्य तरीके के कुछ एरिया इश्यूज़ को लेके उसको सेंसिटिव कहलाते हैं। लेकिन जो हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, पीसफुल इलेक्शन हमेशा हुआ है और इस बार भी होगा। पर्याप्त मात्रा में फोर्स की उपलब्धि हमारे पास है और डिप्यूटेशन भी सभी मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट के रूप में हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को भी किए हुए हैं। उसके अलावा हमारे बीच ऑब्जर्वर भी उपस्थित रहेंगे जो इलेक्शन के हर एक स्टेप को बहुत ही गहन तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कल हमारा ईवीएम का डिस्पैच होने वाला है, तो आज डिस्पैच की तैयारी के लिए रामगढ़ कॉलेज में सभी पदाधिकारी रहेंगे और सभी आरओस को, सभी जो मतदान पार्टी है, जो पोलिंग पार्टी है, उनको आसानी से ईवीएम को अपने बूथ तक ले जाने के लिए जो व्यवस्था बनाना चाहिए, वाहनों का और उनका मटेरियल का, वो सभी व्यवस्था आज किया जा रहा है। और कल सुबह करीब 6-7 बजे से डिस्पैच का कार्यक्रम चालू होगा और अंतिम प्रशिक्षण सभी लोगों का कल रामगढ़ कॉलेज में दिया जाएगा। और मुझे हम जो पुलिस और मैजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन है, मुझे पूरा विश्वास है कि रामगढ़ में फ्री एंड फेयर एंड शांतिपूर्वक इलेक्शन कराया जाएगा। मैडम, चुनाव में विघ्न पैदा करने वाले लोगों से कैसे निपटेंगे? हम लोग कई लोगों को ऑलरेडी 107 में उनको नोटिस किए हुए हैं, बॉन्ड भी किए हुए हैं और ये सभी लोग हमारे निगरानी में हैं और MCC के तहत भी काफ़ी निगरानी किया गया था। और बहुत ही अच्छी बात है कि सभी लोग जो कैंपेन कर रहे हैं और जो इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से कैंपेनिंग किए हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग का ड्राई डे भी घोषित हो रहा है, आज 7 बजे से लेकर 17 तारीख के 7 बजे तक सरकार के द्वारा, ECI के द्वारा भी ड्राई डे घोषित किया गया है। तो कई तरह की पहल किया जा रहा है ताकि हमारा जो चुनाव है वो निष्पक्ष और इम्पार्शियल तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से, पीसफुल तरीके से हो।
और स्वीप के तहत भी हम लोग एक जागरूकता रथ भी 5-4 दिनों से चला रहे हैं और वहाँ उसमें भी लोगों को बताया जा रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इस बार हर बूथ में 3 EVM रहेंगे, 3 वोट देना है, 3 पदों के लिए देना है, तो लगातार जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। और मुझे पूरा हम कुछ मॉडल बूथ का भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा संख्या है वहाँ लोगों के लिए पानी का व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था, इस तरीके से एक सुविधाजनक अपना वोटिंग डालने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। अति संवेदनशील बूथ पे कैसे आप लोग वहाँ पे नियंत्रण करें? वहाँ पे हम लोग के आरोज ऑलरेडी उसका एक समीक्षा कर लिए हैं, बूथ पर लोग विजिट करके उसको समीक्षा किए हैं और हमारे पास जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उनके पास पर्याप्त फोर्स रहेगा और वैसे बूथों में अतिरिक्त फोर्स का भी डेप्यूटेशन किया जाएगा। उस दिन हम लोग को सुबह से ही एक सुनिश्चित करना होगा कि समय सीमा के अंदर मॉक पोल हो जाए और सही टाइम पे इलेक्शन का वोटिंग चालू हो जाए, जो 7 बजे के पहले पोलिंग पार्टी को ये सुनिश्चित करना है कि तीनों जो EVM मशीन है उसका सीक्रेसी मेंटेन करते हुए तीनों का तैयारी करें और 6 बजे से 7 बजे तक वो मॉक पोल उनका पूरा करें और 7 बजे निश्चित रूप से पोलिंग चालू करें। और हम लोग ये भी जनता को मोटिवेट किए हैं कि वो फर्स्ट हाफ में ही आके ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और मैक्सिमम परसेंटेज में आके वोट डालें, तो उसके लिए हमारे BLOs को भी एक्टिवेट किया गया है, ROs को भी एक्टिवेट किया गया है और साथ ही साथ हम लोग भी लगातार उसका निगरानी रखेंगे, फील्ड में भी घूमेंगे और हर 2 घंटा में इनसे जो रिपोर्ट हम लोग लेते जाएंगे उसमें हमारे सामने पिक्चर आएगा कि कहाँ पे वोटिंग हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो हम लोग के पास पेट्रोलिंग जो जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होंगे वो लगातार फील्ड में पेट्रोल करते रहेंगे, साथ ही साथ जो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी अपना अनुश्रवण उनको देते रहेंगे। हमारे पास टेक्निकल आदमी भी है, कहीं अगर EVM में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया या किसी तरीके से आने में हमारे पास रिजर्व EVM रहेगा जो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचा देंगे। तो कई तरीके से तैयारियाँ किया गया है 7 से 5। आज बाबा साहब जयंती 127वें जयंती के समारोह में आज अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के सभी कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित थे और आज कार्यक्रम हो रहा है। शाम 5 बजे से भी कार्यक्रम यहाँ होगा जिसमें बाबा साहब के विचारों को कुछ लोग अपने बात रखेंगे और बाबा साहब के साथ हम लोग का रिश्ता जो है वो हमेशा बना रहेगा और हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों को लेकर ही अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के सभी कार्यकर्ता चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे और आज इनका जो भी कहना है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसमें अनुसूचित जाति उत्थान परिषद का तमाम कार्यकर्ता काम कर रहा है। जैसे कि स्कूल के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र में संगठित करने का भी प्रयास कर रहे हैं और संघर्ष तो हम लोग का नस नस में समाया हुआ है जो हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं। आज जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी, अनुसूचित जाति के तमाम साथियों के बच्चे भी आज यहाँ उपस्थित रहेंगे, माता बहनें भी उपस्थित रहेंगे और यही संदेश हम लोग पहुँचाना चाहते हैं कि बाबा साहब के नक्शे कदम पर हम लोग चलने का प्रयास करें, यही हम लोगों का संदेश रहेगा। क्या नाम हो आपका? राजेंद्र नायक, अनुसूचित जाति उत्थान परिषद का जिला अध्यक्ष है, रामगढ़ से। आज जो हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 127वां जन्मदिवस मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हमारा दलित समाज के लिए, SC ST OBC के लिए एक हम लोग का त्यौहार है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन से आज हम लोग खड़े हुए हैं। आज हम लोग शिक्षा का मामला में, आज नौकरी का मामला में, आज जो हम लोग का विधानसभा लोकसभा जो मिला है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। उसने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग भी गांव-गांव जाके SC ST OBC महिला बच्चा लोग का जागरूक करते हैं कि नहीं, बाबा साहब का आदर्श पर चलें, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और बाबा साहब का जयंती हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेश कुमार मुन्ना पासवान हुआ। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें
हमारा संपर्क नंबर है